चीन के शंघाई में एक शख्स ने जानबूझकर कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन किया। पुलिस की तरफ बढ़ते हुए शख्स ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जेल में उसे खाना मिलेगा। ऐसी तमाम खबरें मीडिया रिपोर्ट्स, वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए चीन से सामने आ रही हैं, जो दिखाती हैं कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन में हालात बदतर हो चुके हैं। पिछले साल इसी समय भारत में कोरोना ने तबाही मचाई थी। लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए त्राही त्राही कर रहे थे और हर रोज हजारों की संख्या में मौतें हो रही थी। दावा किया जा रहा है कि चीन में इस वक्त परिस्थितियां इससे भी ज्यादा बुरी हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई कोरोना के सबसे भयानक प्रकोप का सामना कर रहा है, जिसके चलते 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग लॉकडाउन की कैद में है। महामारी की शुरुआत से अब तक चीन संक्रमण की सबसे घातक लहर का सामना कर रहा है। कड़े प्रतिबंधों के चलते लोगों के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं, जिससे अपने घरों में कैद करोड़ों लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोग मेडिकल सप्लाई समेत मूलभूत चीजों की कमी से जूझ रहे हैं। शंघाई में खाने की डिलीवरी का स्लॉट मिलना अकेली मुसीबत नहीं है, बाजार बंद होने के चलते महंगाई भी आसमान को छू रही है। सोशल मीडिया पर शेयर कई वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शंघाई में लोग अपने घरों से बाहर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपनी खिड़कियों और बालकनियों पर आकर चिल्ला रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में लोग चिल्ला रहे हैं, मदद करो, मदद करो, मदद करो, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। एक अन्य वीडियो में लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है, जिन्हें PPE सूट पहने मेडिकल स्टाफ शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक शख्स कहता है, मैं भूख से मर रहा हूँ, मैं भूख से मर रहा हूँ। शंघाई ने बुधवार को चेतावनी दी कि जो भी कोरोना नियमों को तोड़ेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बावजूद दावा किया जा रहा है कि शंघाई में एक शख्स ने जानबूझकर लॉकडाउन तोड़ा और पुलिस से अपनी गिरफ्तारी की मांग की ताकि जेल में उसे खाना मिल सके।